देश पर फिर महंगाई की मार, लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम। महाराष्ट्र के परभणी में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में नॉर्मल पेट्रोल प्रति लीटर 26 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 88 रुपए 99 पैसे। दिल्ली में डीजल भी हुआ महंगा, 29 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। 1 लीटर डीजल 79 रुपए 35 पैसे हुआ। दिल्ली में रसोई गैस फिर महंगी हुई, आज से 50 रुपए और महंगा मिलेगा गैस सिलेंडर। दिल्ली में आज से रसोई गैस का एक सिलेंडर 769 रुपए में मिलेगा। ग्रेटर थनबर्ग टूल किट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि पर शिकंजा, कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा। पुलिस का आरोप, खालिस्तानी समर्थक ग्रुप के साथ मिलकर दिशा रवि ने लोगों को भड़काया। निकिता जैकब और शांतनु भी दिल्ली पुलिस के रडार पर। दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम समेत कई पार्टियां। गिरफ्तारी के विरोध में बेंगलुरु में थाने के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। करनाल में किसानों की महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, मंच से दिया नया नारा। और इसके पीछे एक हाफ पंचायत आपको छोड़कर नहीं जाने के, कोड़ी जैसी सरकार की भरत की ऐसी सरदार की। आज बिजनौर में होने वाली किसान महापंचायत में हिस्सा लेंगे प्रियंका गांधी, दोपहर 12 बजे पहुंचेंगी बिजनौर। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 18 फरवरी को रेल रोकेंगे देश के किसान। बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान, कृषि कानून वापस नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की कही बात। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में कृषि कानून के विरोध में कलेक्टर के दफ्तर पर किसानों का धरना, केंद्र सरकार पर हटी होने का लगाया आरोप। फरीदाबाद में किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के पोस्टर को किया आग के हवाले, पोस्टर पर जूते चप्पल मारकर जताया विरोध। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देव का एक और अजीबोगरीब बयान, कहा श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने का है अमित शाह का प्लान। बोलता है ये तो हो गया देश का, तो वो तो कर ही लेंगे, श्रीलंका है नेपाल है वहां भी तो पार्टी के लोग जाना, वहां भी जीतना है। कुमार केस में आम आदमी पार्टी ने अमित शाह से पूछे 6 सवाल, क्या बीजेपी राज में दिल्ली और भारत में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? क्या दिल्ली में जय श्री राम का, भारत देश में जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते? कि अब उनकी हत्या करी जाएगी। गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर बोला हमला, पूछा जय श्री राम का नारा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगेगा? गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ जल्द आएगा कानून, सीएम विजय रूपानी ने एक रैली के दौरान किया ऐलान। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम रूपानी की तबियत अचानक बिगड़ी, मंच पर आया चक्कर, फिलहाल हालत स्थिर। जम्मू बस स्टैंड पर विस्फोटक की साजिश की जांच, पुलिस ने अलबद्र के आतंकी सुहेल समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकियों ने रची थी जम्मू को दहलाने की साजिश, जम्मू से 7 किलो विस्फोटक बरामद। बंगाल में जारी है देवी दुर्गा के नाम पर सियासी घमासान, बीजेपी नेता दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी हमला पर। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने बंगाल के लोगों की आस्था और नारी शक्ति का किया अपमान। टीएमसी ने सरस्वती पूजा के लिए भी तैयार किया मेगा प्लान, हुगली की 18 विधानसभा सीटों में 125 जगहों पर होगी सरस्वती पूजा। टीएमसी के जवाब में बीजेपी ने सरस्वती पूजा की बनाई योजना, नादिया में बीजेपी यूथ विंग ने बटवाई सरस्वती प्रतिमा। बंगाल में आज ममता बनर्जी 5 रुपए में थाली की योजना का करेंगे आगाज, कोलकाता के 144 वार्ड में लागू होगी योजना। उत्तराखंड के तपोवन हादसे में 9वें दिन भी रेस्क्यू मिशन जारी, टूट रही जिंदगी की उम्मीद। तपोवन में 7 शव टनल से और 2 दूसरी जगह से निकाले गए, टनल में करीब 35 लोगों के फंसे होने की आशंका। चमोली आपदा में अब तक 50 शव बरामद, 150 से ज्यादा लोगों के लापता होने की जताई जा रही है आशंका। हादसे के बाद से ही तपोवन में एनटीपीसी के टनल से हटाया जा रहा है मलबा, मंगाई गई नई मशीनें।
तपोवन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू मिशन में शामिल। 7 फरवरी को आई थी आपदा। चमोली के रैनी में उफनती ऋषि गंगा नदी के ऊपर सेना ने बनाया टेम्पररी पुल, नीति घाटी के 12 गांव वालों को मिली राहत। आपदा में लापता विकास नगर के 4 युवकों के परिजनों ने अपनों के जीवित लौटने की छोड़ी उम्मीद, चारों का पुतला बनाकर विधि विधान के साथ किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर पर बने छोटा हरिद्वार मंदिर में अचानक आया पानी, गंग नहर में जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर परिसर में भरा पानी। मंदिर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को हुई काफी परेशानी, उत्तराखंड में आई आपदा के बाद गंग नहर के जलस्तर के बढ़ने का था अंदेशा। भगवान बद्री विशाल का तेल कलश जोशीमठ से टिहरी राज दरबार के लिए हुआ रवाना, बसंत पंचमी को निकलेगा बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन। मेरठ में विवादित जमीन पर मूर्ति रखकर मंदिर निर्माण का आरोप, पुलिस ने रुकवाया निर्माण, महंत और पुलिस के बीच बहस। काफी देर तक होता रहा हंगामा, पुलिस ने भीड़ को हटाया, कई लोगों को हिरासत में लेकर जगह खाली कराई गई। बांसाडे की शाम शिवसैनिकों का भोपाल में हंगामा, लोगों से भरे काउबॉय रेस्टोरेंट में की जमकर तोड़फोड़। रायबरेली के सीओ सिटी एंटनी चतुर्वेदी का एक वीडियो वायरल, शिवपाल यादव के पैरों पर झुकते नजर आ रहे हैं पुलिस अधिकारी। शिवपुरी में खदान धंसने से एक महिला की मिट्टी में दबकर मौत, 3 घायल, 1 की हालत नाजुक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल माध्यम से किया मऊ से आनंद विहार के बीच नई ट्रेन का शुभारंभ, सप्ताह में 2 दिन चलेगी ट्रेन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह को वैलेंटाइन डे की शाम कराई वन विहार नेशनल पार्क की सैर, पत्नी संग वोटिंग कर बिताया वक्त। कानपुर में बीजेपी नेता राम माधव की किताब बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट का अनावरण, समारोह में कई नामी लोग हुए शामिल। झारखंड के डीजीपी रहे एमवी राव ने लिया वीआरएस लेने का फैसला, आईपीएस की नौकरी छोड़कर अपने गांव जाकर खेती करने का ऐलान। असम के मंत्री हेमंत बिस्वा करेंगे गुवाहाटी में फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन, बांस से बनाकर तैयार किया गया है खास तरह का ब्रिज। सीएम योगी आज करेंगे अभ्युदय योजना का शुभारंभ, योजना के जरिए कमजोर वर्ग के होनहार छात्रों को दी जाएगी मुफ्त कोचिंग। बस्ती के हरैया नगर पंचायत ने प्रशासन के साथ मिलकर चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान, अवैध निर्माण पर चले बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पक्के भवनों को जेसीबी से गिराया गया, करीब 8 घंटे तक चला अभियान। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ की कीमत का 3 किलो सोना, सोने को अंडरगार्मेंट में छिपाकर ले जा रहे थे 4 यात्री। रामपुर में मुकदमे की धारा घटाने बढ़ाने के नाम पर धांधली, रिश्वत लेते पकड़ा गया डॉक्टर, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर, हुगली में बीजेपी के मंडल सभापति शांतनु पाउल पर हमला, करीब 20 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप, बीजेपी नेता शांतनु पर लाठी डंडे और बम से किया हमला, घायल नेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्षेत्र में हाईवे के करीब सूटकेस में मिली लाश, सड़े गले शव में महिला पुरुष की पहचान भी मुश्किल, पुलिस ने पोस्टमार्टम को भेजा। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में अजीत सिंह हत्याकांड के शूटर को किया ढेर। राजस्थान के 12 में जाली नोट बनाने के सामग्री के साथ 3 गिरफ्तार, लग्जरी गाड़ी जब्त। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रफ्तार के नशे में चूर कार चालक की जमकर धुनाई, कई बाइकों और लोगों को मारी टक्कर, पकड़े जाने पर पुलिस से भी धक्का मुक्की। सीतामढ़ी के सदर डीएसपी कार्यालय में तैनात मुंशी की सड़क हादसे में मौत, मोटरसाइकिल से घर जाते वक्त ऑटो से हुई जानलेवा भिड़ंत। पटना में मोटरसाइकिल चोर गिरोह का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, चोरी की वारदातों में से लोगों में गुस्सा। हापुड़ में 2 दिन से लापता एक ई रिक्शा चालक का शव मिलने से सनसनी, किसी धारदार हथियार से कटी गई गर्दन। सुकमा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 175 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में वर्दी में दबंगई दिखाना सब इंस्पेक्टर को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर। कैमूर में एक शख्स की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, सीने में 2 गोली मारकर फरार हुए हत्यारे।
ब्रिटनवाड़ा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी गौर तस्कर गोली लगने के बाद गिरफ्तार। अलीगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री पर पुलिस और आबकारी विभाग का छापा, मौके से दो शराब तस्करों को दबोचा। ब्रिटनवाड़ा के दनकौर से किडनैप छात्र को पुलिस ने किया बरामद, अपने बच्चे को पाकर परिवार समेत पूरे गांव में खुशी की लहर। अलीगढ़ में दिव्यांग युवक के साथ गांव के ही दबंगों ने की मारपीट, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। कटिहार में दिन दहाड़े ठेकेदार अभिषेक आनंद की गोली मारकर हत्या, अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। यूपी के बलरामपुर में नाबालिग रेप पीड़िता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत, घर के छत से लटकता मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ पुलिस ने 70 किलो अवैध गांजा किया बरामद, महिला समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। बस्ती के बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर में सीरियल मर्डर करने की दी धमकी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की तलाश। दिल्ली के वजीरपुर में सट्टेबाजी में एक शख्स की हत्या, नाराज परिवार ने चौकी पर शव रखकर किया हंगामा। सुशांत राजपूत के ममेरे भाई पर हमला करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने हथियार सहित दबोचा। दरभंगा में अनियंत्रित होकर खेतों में पहुंची तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 2 की हालत गंभीर। हिजावा में असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़, 8 तमंचा और 20 जिंदा कारतूस समेत कई हथियार बरामद। वर्धमान में 2 गुटों में हिंसक झड़प, 1 व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या, कई घर दुकान और वाहनों में तोड़फोड़, बमबाजी भी हुई। खबरों की दुनिया में आज तक की बादशाहत बरकरार, मिला सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का आईटी अवार्ड। नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक की बड़ी कामयाबी, 20 साल में आज तक को 19वीं बार मिला सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल का खिताब। आज तक के सहयोगी इंडिया टुडे टेलीविजन का भी दबदबा, मिला पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरे को भी आईटी अवार्ड में हॉल ऑफ फेम सम्मान, बोले 7 काम करने वालों के नाम ये अवार्ड। इंडिया टुडे ग्रुप की कामयाबी पर वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी ने कहा, आज तक के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। भारत के मुख्य चेन्नई टेस्ट पहली पारी में इंग्लैंड 134 रन पटे, दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत की दूसरी पारी का स्कोर 1 विकेट पर 54 रन, इंग्लैंड पर फिलहाल 249 रन की बढ़त। आर अश्विन के पंजे ने कसा, इंग्लैंड पर शिकंजा, 43 रन देकर किए 5 शिकार। टेस्ट में अश्विन का कमाल, 29वीं बार टेस्ट की एक पारी में चटकाए 5 विकेट। भारत की दूसरी पारी में क्रीज पर 25 रन बनाकर डटे हैं रोहित शर्मा, 14 रन बनाकर आउट हुए ओपनर शुभमन गिल। चलेगी फिर से इंग्लिश क्रिकेटर खपा, केविन पीटरसन से लेकर माइकल वॉन तक ने उठाया सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान से देखा हिंदुस्तान का हल्ला बोल, चेन्नई स्टेडियम की तस्वीर साझा कर दी जानकारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नंबर 1 नोवाक जोकोविच, राउनिक को 4 सेट से दी मात। जोकोविच अलेक्जेंडर जुवेरे भी अंतिम 8 में पहुंचे, 16 फरवरी को जोकोविच से मुकाबला। सेरेना विलियम्स ने भी तय किया क्वार्टर फाइनल का सफर, सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए सिमोना हालेप से मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।